आज मैं आपको एक कूलर की साधारण मोटर से किस प्रकार परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बनाकर बनाया जा सकता है और उससे 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक का करंट प्राप्त किया जा सकता है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये कूलर की एक साधारण मोटर है जो कि कॉपर वाइंडिंग में वाइंड हो रही है। ये इसका ढक्कन है और ये इसकी रोटर जो कि बीच में घूमती है। इस रोटर को हमने निकाल कर उसकी जगह एल्युमिनियम के एक पीस में कटिंग करवा कर इस प्रकार की नियोडिमियम मैग्नेट फिक्स कर दी है जो कि एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल इस तरीके से सेट की गई है। और ये नियोडिमियम मैग्नेट्स जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट्स मानी जाती हैं, इनका प्रयोग हम परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर बनाने में करेंगे। इन नियोडिमियम मैग्नेट्स को हमने कूलर की साधारण मोटर में रोटर निकालकर एल्युमिनियम के एक पार्ट में खांचे बनाकर उसमें परमानेंट फिट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नियोडिमियम मैग्नेट्स हैं जिन्हें हमने फिट कर दिया हुआ है एल्युमिनियम के पार्ट्स में। कूलर की साधारण मोटर है जिसमें कि कॉपर की वाइंडिंग की हुई है और ये इसकी पूरी फिटिंग जो हमने इसमें ये मैंने अपनी तरफ से खुद बनाई है। सारा कुछ अपने घर पर ही, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बाहर से खरीदा गया हो। इस नियोडियम मैग्नेट की बनाई हुई हमारी जो रोटर है इसे मोटर में एक साधारण रोटर की तरह फिट करते हैं। थोड़ा सा परेशानी का काम है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल मैग्नेट होती हैं जो कि ईजीली सेट नहीं होती। ये हमने इसमें फिट कर दी हैं। अब हमने इसे इस नियोडिमियम में मैग्नेट की रोटर को पूरे तरीके से फिट कर दिया है। भाई स्टार्ट का बटन दबाया के अंदर कर चुका हूँ और अब हम इसे बंद करेंगे। इसमें हम नट लगा कर इसको टाइट कर देंगे। अब देखिए अब हम इसमें एक छोटा सा पॉज दे सकते हैं। हमारा परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर जो है वो बनकर तैयार है और हम इसे फिट कर चुके हैं। अब हम इसका अगले शॉट में ट्रायल आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे मैंने जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बनाया है इसे मैंने 100 वॉट के एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 400 वॉट तक 450 वॉट तक लोड उठा सकता है। इसको घुमाने के लिए मैं ड्रिल मशीन का हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो इंजन के साथ प्रयोग करके अपना एक जनरेटर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी इंजन हो। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमने इस जनरेटर को जो बनाया है, अब इस जनरेटर से कैसे हम बिजली का प्रोडक्शन करेंगे। इसे हम जैसे जैसे आरपीएम बढ़ाते जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आपको
लिए मोटर से परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बनाया, जिसमें कि हमने नियोडिमियम मैग्नेट्स का प्रयोग किया, कॉपर वाइनिंग इसमें है और ये 220 22 30 वोल्टेज तक हमारे निकाल रहा है और करीबन करीबन ये 450 वाट का लोड ले रहा है, जिसे कि एक साधारण छोटे जनरेटर में हम प्रयोग कर सकते हैं और इसकी लागत भी काफ़ी कम आएगी और वेट भी इसका काफ़ी कम है, कूलर की एक मोटर मात्र, जबकि जनरेटर में वाइंडिंग होने वाला मोटर होती है उसका वेट भी ज़्यादा होता है और आरपीएम भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ये कम आरपीएम पे प्रोड्यूस कर सकता है, तो इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई मेड। थैंक यू वेरी मच। माई